अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? तो आज कुछ चीज़ आपसे शेयर करने आया हूँ, छोटी सी वीडियो होगी बिल्कुल ये, कि सबसे पहले तो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको अदालतों, पुलिस और हॉस्पिटल के चक्करों से बचाए, और अगर इन चक्करों में आप किसी ना किसी तरीके से आ ही गए हैं तो आपको जो डीलिंग कर रहे हैं जो लोग वो अच्छे हों। तो मैं अभी हॉस्पिटल में आया हूँ, और हॉस्पिटल में आया हूँ, ये मेरे हाथ में दो टेस्ट सैंपल हैं, इनके टेस्ट करवाने हैं। तो बंदा जो आया था, जिसने कहा जी आपने टेस्ट करवाने हैं, उसने मुझे बोला कि एक टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर से होगा और दूसरा हो सकता है उनका टेस्ट वो हॉस्पिटल में अवेलेबल ना हो, बाहर जाना पड़े आपको। तो मैं जैसे ही इनकी लेबॉरेटरी में आया हूँ, मैंने उनको दोनों ये सैंपल दिखाए हैं, तो उन्होंने एक उसी टाइम मुझे पकड़ा दिया कि भाई ये हमारे पास नहीं है, इसको बाहर ले जाओ। तो मैं थोड़ा सा ना क्यूरियस हुआ कि यार क्यों, मतलब बाहर सारी लेबॉरेटरीज हैं तो इतना बड़ा हॉस्पिटल अंदर भी होनी चाहिए। तो फिर मैंने देखा कि ये देखें, ये लगी हुई है जी स्टैंप, ठीक है, ये वाला मैंने बाहर से करवाना है। इसमें डॉक्टर ने अपनी स्टैंप लगवा दिया और साथ ये बोला है कि जी भाई अगर आप मेरी लैब से नहीं करवाओगे तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूँगा, ठीक है। ये दूसरा सैंपल है, उस पर कोई स्टैंप नहीं लगी हुई, वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। जिस पर स्टैंप लगी हुई है, ये इनके कम्युनिकेशन कोड्स हैं कुछ, जिसकी वजह से ये खुद ही समझ जाते हैं कि डॉक्टर ने स्टैंप लगा दिया, इट्स मीन कि उसने अपनी लैब से ही करवाना है। और जाहिर सी बात है ये महंगे वाला होगा, मुझे तो नहीं पता, अब ये करवाऊँगा तो पता चलेगा। तो अल्लाह ताला जो है ना, हमारे डॉक्टर्स को बहुत अच्छे, नोबल प्रोफेशन है ये, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, बट जो इस तरह की करप्शन में मुलव्वस हैं, तो अल्लाह ताला उनको हदायत दे और आप सबको इन चक्करों से जो है ना वो भी बचा के रखे, आमीन। और मेरा मकसद यही था कि मैं दिखाऊं कि किस तरीके से जो टेस्ट है ना वो इधर नहीं होते और बाहर होते हैं, तो उसके लिए स्टैंप लगी होती है, इनका कोई छोटा सा सीक्रेट होता है जो वो देख के बता देते हैं।